नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 17 नवंबर का शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, एसएससी जीडी की सीरीज चल रही थी, आप लोगों का 17 S1 का पेपर देख लिया होगा। ठीक है, उसमें जो टफ क्वेश्चन थे मुझे आशा है कि आप लोगों ने नोट किए होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 है, वह धनराशि कितनी होगी। देखो फार्मूला डायरेक्ट 2 वर्षों के लिए होता है, आर अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, तो डी हमें दिया गया 152, बी हमें निकालना है, आर की वैल्यू हमें पता है 5 × 5 और 100 × 100, 5 × 2 = 10 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 5 = 20 हो गया, 4 × 1 = 6 हो गया, 2 0 आ गए, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकता है कौन। ए, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। तो ए से 25% यानी कि 25 × 100, यानी कि अगर ए तुम्हारा 4 है तो बी कितना होगा, 5 है, तो कह रहा सी बी से 20% अधिक, यानी कि बी 20 × 5 = 100 हो गया, यानी कि बी अगर 5 है तो सी कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखो यहाँ पर बी, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, यानी कि कोई भी हमें बराबर करने की जरूरत नहीं। ए कर रहा था 20 दिनों में 4 की इफिशियंसी करता है, टोटल काम 80 हो गया। ए और सी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, ए और सी यानी 6 × 4 = 10 × 5 = 50 काम हो गया, बचा कितना, 30 काम। बी सी शेष काम को कर रहा है यानी 5 का भाग कर दो, आंसर 6 दिन। अगला सवाल, एक्स 1420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या है जिसे 10, 15, 24 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 प्राप्त होता है, x के अंकों का योग कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, इनका ले लो पहले एलसीएम, 24 और 32 का एलसीएम कितना होता है, 96। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको क्या ले सकते हैं, 5 × 2 = 10, इसको क्या ले सकते हैं, 5 × 3 = 15। देखो 3 तो हमारा 96 में होगा, 2 भी हमारा 96 में होगा, 5 नहीं होगा, 5 का गुणा कर दो, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 45, 3 × 48 एलसीएम आ गया ये। अब नंबर चाहिए हमें 1420 और 1780 के बीच में, यानी कि इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 4 × 16 ज़्यादा हो गया, 4 × 3 = 12, अगर 4 × 3 का गुणा करते हैं तो 0 × 3 = 24 हो गया, 3 × 12 हो तो 14 हो गया। तो ये नंबर आ गया दोनों के बीच, अब हमें 7 शेषफल भी चाहिए, यानी कि 7 को इसमें और जोड़ना पड़ेगा। तो इन सब का योग कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 8 = 9 + 9 = 7 = 16, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 5% की क्रमिक छूट के बाद यह इतने में बिकी, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। सिंपल सी बात, x था अंकित मूल्य, 10% छूट मतलब 90% और 5% की छूट का मतलब 95%। तो ये देखो ये चीज़ डायरेक्ट लिखा करो, जैसे 10% की छूट होगी तो 10% मतलब 1/10, यानी 10 पर 1 की छूट देंगे तो 9 रुपये में बेचेंगे। अब यहाँ पर पता है 5% छूट देगी तो ऊपर 95 हो गया, तो डायरेक्ट लिखो 5 × 5 हो गया, 45 हो गया, नीचे 20 हो गया, इसकी वैल्यू 3420 काट दो, देखो 9 से कट जाएगा, 9 × 3 = 27 हो गया, 7 बचा, 9 × 8 = 72 हो गया, 19 × 2 = 38 हो गया, 2 × 2 = 4, 3 0 आ गए, आंसर आ गया 4000। अगला सवाल, सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी होगी। देखो 8 वर्ष छोटी थी, चाहे आज ले लो, आज अगर डिफरेंस 8 वर्ष का है तो 15 साल बाद दोनों की आयु में भी 8 वर्ष का डिफरेंस होगा, चाहे 20 साल पहले की देख रहे तब भी 8 वर्ष का डिफरेंस होगा, एक चीज़ हमेशा याद रखना। तो अनुपात जो भी होगा उनका डिफरेंस 1 = 1 कितना हो गया, 8, यानी 8 × 8 = 8, 8 × 2 = 16, ये किसकी आ गई, 4 वर्ष पहले की आ गई, किसकी, सीमा और रीमा की। तो देखो अब से 6 वर्ष बाद पहले प्रेजेंट पहुँचो दोनों की, तो 8 × 4 = 12, 16 × 4 = 20, सीमा की आयु कितनी होगी, यानी कि सीमा की निकालनी है 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 × 2 = 18 इसमें 18 आ गया आंसर। ठीक है, अगर तुमसे रीमा की पूछती तो इसमें 6 वर्ष बाद निकालते तो 26 आ जाती। अगला सवाल, समूह में 56 छात्रों के औसत वजन 55 kg है, यदि 60 kg औसत वजन वाले 12 छात्र इस समूह से निकल जाते हैं और 52.5 kg औसत वजन वाले 6 छात्र इस समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में शेष बचे छात्रों के औसत वजन में हुई कमी ज्ञात कीजिए। देखो 56 का एवरेज कितना था, 55, और 12 बच्चों का कितना था, 60, और 6 बच्चों का कितना था, 52.5। ये समूह से क्या है, निकल गए, ये समूह में आ गए, ठीक है, एंट्री हो गई। तो जब ये गए हैं तो कितना नुकसान कर गए, एवरेज से 5 का डिफरेंस था,
एक पे 5 यानी 12 पंजे 60 एक्स्ट्रा लेके गए एवरेज से, लेकिन यहाँ देखो ये आए ये भी एवरेज से कम लेके आए, कितना कम लेके आए 2.5, और एक लोगों में इतना तो 6 लोगों में 25 छक्का 115, ये भी कम लेके आए, यानी कि टोटल दोनों ने क्या किया नुकसान किया कितने का 5 और 6 7, यानी कि हमें 75 का नुकसान हो गया, सिंपल सी बात ये थी। अब 12 लोग चले गए 6 लोग वापस आ गए, समझना बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर 56 से 12 लोग गए, 6 से 2 गया 4, 5 से 1 गया 3, अब क्या होगा तुम्हारे 6 लोग और आ गए, 5 से 1 गया 4 कर लो, अब 6 लोग और आ गए यानी कि कितने लोग हो गए टोटल 50 लोग हो गए, यानी कि 75 का टोटल आया तुम्हारा कम हुआ है एवरेज से, यानी कि एक लोगों में कितना हुआ होगा 50 से डिवाइड, 15 × 75 यानी 1.5 आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, इसी टाइप का अगर अगली शिफ्ट में कोई आता तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बाकी इसको नोट डाउन करके बार बार देखना समझ में आ जाएगा अगला सवाल। बाकी हाँ, गुणा भाग करके आप लोग कर सकते हैं, इनका इनका गुणा करना था फिर इनका गुणा करते, फिर इनका गुणा करते, तो प्लस माइनस जो भी करना होता वो तो आप कर ही सकते थे। अगला सवाल, दो संख्याएं एम और एन का योग 84 है, उनका अंतर 6 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। देखो एम प्लस एन बराबर है 84 और m माइनस n क्या है 6 है, तो दोनों को डिवाइड कर लो। योगेंद्रा अनुपात का नियम भी मैंने बताया है, कंपोनेंट और डिविडेंड, अगर a प्लस बी अपॉन a प्लस बी ले लो और a माइनस बी ले लो बराबर c अपॉन डी ले लो, तो यहाँ क्या होता है जैसे a प्लस बी एक बार दोनों को जोड़ दो एक बार घटा दो, प्लस का b हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा c प्लस डी c माइनस डी, b से b कैंसिल हो जाएगा a से a, यानी कि 2a अपॉन 2b हो गया, इधर हो गया सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ना एम अपॉन है 84 6 90 और 84 6 चला गया तो 78 हो गया, तो 2 चौकू 8 2 पंजे 10 2 3 6 2 9 18 आंसर आ गया 45:39। लेकिन अभी देखो नहीं मिला है तो और कट जाएगा ना, 3 × 3 3 5 15 3 × 3 3 15 15 13 आंसर। अगला सवाल, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस बनाया गया है, नए ठोस घन की भुजा की माप क्या है। वो सिंपल है, इनका सबका वॉल्यूम बराबर कर दो उसके, यानी 6 का क्यूब 216 प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000, ये हो गया एक कैपिटल क्यूब होगा उसके, यानी 6 2 8 हो गया और 1 1 2 हो गया और 5 2 7 हो गया 1728, ये किसका क्यूब है, ये केवल 12 का क्यूब। ठीक है, अब इसे देखो और आसानी से, अगर ये सब लिखते जैसे ही 6 2 8 मिला यूनिट डिजिट पे भी काम कर सकते थे ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता, यहाँ पर करते तो 512 आता, ये तो कैसे भी नहीं हो सकते थे क्योंकि इनका देखो 8 का तो क्यूब हमने यहाँ लिखा हुआ है, 9 का क्यूब हमें 729 पता है, तो केवल दो ऑप्शन बच रहे थे, 12 का तो याद ही होना चाहिए तुमको, जब इसी में 8 मिल रहा है तो फिर इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, पॉइंट में आने की कोई जरूरत ही नहीं, अगर पॉइंट का अगर मान लो क्यूब भी करते तो कोई भी नंबर आता 3 नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ता ना, तो ये तो सवाल में आंसर नहीं हो सकता। अगला सवाल, एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 20% बढ़ जाती है और फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती है, ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देखता है, इसलिए वह उस समय ट्रेन की चाल को 40% कम कर देता है, ट्रेन की अंतिम चाल दशमलव के सही बताने, देखो 20% बढ़ गई, 20 × 50 100 यानी 5 से 6 हो गई, फिर 40% कम करें तो 20 × 2 = 40, 20 × 5 = 100 यानी 5 से 2 कम कर दिया 3 हो गया, तो 5 × 25 हो गया 6 × 3 = 18 हो गया, यानी कि 25 की वैल्यू कितनी दी थी 110, तो ट्रेन की अंतिम चाल कितनी हो गई 18 हो गई, सॉरी 25 की वैल्यू है, 5 × 25 हो गया 5 × 2 = 10 हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया, 18 × 2 = 36, 18 × 2 = 36 और 3 = 39 बटे 5 हो गया, डिवाइड कर दो 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45 हो गया, 1 बचा था 5 × 2 = 10 आंसर आ गया। बाकी बहुत तरीके हैं, जैसे 110 था 20% बढ़ जाती है यानी 120/100, फिर 40% कम हो गई तो 60/100 हो गई, तो 1 2 1 2 1 0 और चला गया। ठीक है, अब करेंगे तो 12 × 72 हो गया, 11 का गुणा कर दो तो 2 9 7 हो गया, डिवाइड 10 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु को 170 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, यदि वह इसे 206.40 में बेचे तो उसे कितने परसेंट की लाभ या हानि होगी। देखो अगर 100 होता मूल्य 15% की हानि होती तो 85 होता, यही वैल्यू दी गई थी किसकी 170 की, हमें निकालना था 206.40, तो 85/170 हो गया, गुड़े 20640 अपॉन 100 हो गया, तो ये 0 से 0 चला गया, 17 पे ना 85 हो गया,
चौकू 20 हासिल लगा, 2 हो गया, 5 छक्का 30 और 2 32 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, बटे हो गया 100, ये चला गया, यानी कि 103.2 आया, तो कितना 100 से ज़्यादा आया, 3.2, यानी कि यही प्रॉफिट हो गया। अगला सवाल, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे 805 में बेचता है, यदि उसने यह छूट ना दी होती तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो 12.5% की छूट देकर 805 में बेचा, यानी कि मार्क प्राइस पर अगर 12.5% मतलब 1/8 यानी 7/8 की चीज़ बेची तो 805 यानी कि 7 × 7 हो गया, 7 × 7 = 7, 5 = 35 हो गया, यानी कि मार्क प्राइस कितना आ गया, 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 12, 2 वहाँ से लगाए 8 × 8। अब वो कह रहा है कि उसने यह छूट ना दी होती तो उसे इस पर 15% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 920 है वो कॉस्ट प्राइस पर 15% के प्रॉफिट के बराबर है, ये कहने का मतलब है, यानी कि 5 × 5 हो गया, 4 बचा, 5 × 8 = 40, 5 × 6 = 20, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 हो गया, तो ये 8 गुना हो गया, यानी आंसर क्या आ गया, सीपी आ गया 800 रुपये। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में इतनी, 3 वर्ष में इतनी हो जाती धनराशि और वार्षिक ब्याज दर पर क्रमशः कितनी होगी। देखो सिंपल सा सवाल है, 3 वर्ष में कितनी होगी, 9720, 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 8640 हो जाएगी, इनमें डिफरेंस करेंगे तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, 2 0 12 से 4 गया 8 बचा, यहाँ 6 से 6 गया 0 बचा, 9 से 8 गया 1 बचा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर प्रिंसिपल और SI2 कुछ रहा होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल और SI बन रहा होगा, यानी कि जो भी डिफरेंस आता है तो वो ब्याज का आता है और कितने ईयर में होता है, अगर 2 साल में निकालते तो 0 2 8 16 2 1 2 आता है, तो प्रिंसिपल हमें निकालना, यानी 86 से 40 से 21 60 माइनस कर दो, तो 0 14 से 6 गया 8 बचा, यहाँ बचा कितना, 5 5 से 1 गया 4 बचा, 8 से 2 गया 6 6 680 आ गया, यानी एक तो इसमें है और एक तो इसमें, अब हमें निकालना पड़ेगा क्या, हमें निकालना पड़ेगी रेट, यानी 1 साल में 1080 ब्याज मिल रहा है, 1 साल में कितने पे, 6480 में, गुणे आर कितनी है तुम्हारी, हमें क्या निकालनी थी, समय 1 वर्ष का हमने ब्याज लिया है, बटे हो गया 100, तो 0 से 0 चला गया, यहाँ से काटेंगे 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 4 × 1 = 4 हो गया, बचा 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8 हो गया, फिर कितना बचा, 270 और 1 0 और बटे 162 आर आ गया, 8 × 2 = 9, 9 × 3 = 27 हो गया, और 9 × 2 = 18 होता, 9 × 9 = 7 = 9 8 = 72 हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया, 6 × 3 = 18, यानी 16 से 2/3% रेट हो गई, बिल्कुल सिंपल सवाल था। अगला सवाल, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, ए बी क्रमशः 7200 और 600 की बचत करते हैं, तो ए और ए की आय की कितनी है। देखो इसमें क्या होता है, एक बेसिक कोई ट्रिक बना दिया गया, क्या जैसे 4 और 5 क्या था उनकी आय थी, और 2:3 उनका व्यय था, इधर हो गया 7200, इधर हो गया 8000, इनका इनका गुणा करते हैं 4 × 3 = 12, इनका इनका गुणा करते हैं 5 × 2 = 10, इनका डिफरेंस 2, फिर इनका इनका गुणा करते हैं 0 0 3 × 6 3 7 21, फिर इनका इनका गुणा करते हैं ये कितना था 6000 था, तो 6 × 2 = 12000 हो गया, इनका डिफरेंस 0 0 हो गया, और फिर 6 बचा 11 से 2 गया 9, यानी कि जो ये डिफरेंस आया इसकी वैल्यू होती है 9600। ठीक है, अब पूछा गया ए की आय यानी कि 4 की वैल्यू, तो इसका 2 गुना कर दिया, यानी कि 0 0 2 6 12 हो गया, 2 × 18 = 19200 आंसर आ गया। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, हमेशा काम में आता है। फिर करते हैं अगला सवाल, पी ने क्यू को एक लैंप 20% के लाभ पर बेचा, बाद में क्यू ने इसी लैंप को 30% के लाभ पर पी को बेच दिया, जिससे उसे 108 का लाभ मिला, पी ने मूल रूप से लैंप के लिए कितना भुगतान किया था, यानी मूल रूप से, यानी कि अगर पी का मूल्य में 100 मानते हैं तो यही पूछा गया था कि इसका मूल्य उसने कितना दिया। तो देखो पी ने क्यू को 20% लाभ पर बेचा, यानी 120 पर, ये पी ने बेचा है किसको, क्यू को, यानी क्यू के लिए ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, फिर क्यू ने 30% के लाभ पर बेच दिया पी को, यानी कि 30% लाभ पर बेचता तो 120 का 130% निकालते, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस पहले निकाल ही लो, 0 0 13 × 26 हो गया, 13 × 13 = 15 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 5 से 2 गया 3, यानी कि 36 की वैल्यू थी 108, ठीक है,
पूछा पीने मूल रूप से, यानी कि इसका 100 का पूछा गया, यानी कि इसका 3 गुना हो रहा, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे, तो आंसर कितना हो गया 300। अगला सवाल, और देखो सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करो, 7 21 हो गया, 21 और 6 कितना हो गया 27, 27 से 5 क्या 22, 22 बटे 2 तो नहीं करेंगे, डिवाइड बाई, पहले ऑफ सॉल्व करते हैं तो 22 हो गया, डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर। अगला सवाल, सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकती हैं, और आरती अकेले उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकती है, गीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकती है। देखो सोनी थी और कौन थी, गीता, 8 घंटे में कर सकती थी, आरती 12 घंटे में कर सकती थी, तो कह रहे गीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में कर सकती है, ये तो करना संभव ही नहीं है। अगर यहाँ पर क्या है, सोनी की जगह आरती होता तब तो निकाल सकते थे, क्या करते एलसीएम लिया तो 24 आ गया, 8 3 24, 12 2 24, यानी आरती की इफिशियंसी तो, गीता कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी गीता अकेले कितने दिन में करती, 24 बटे 1, आंसर क्या आता था 24 आ जाता। तो इस सवाल में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है। देखो और एक चीज़ समझ लो, जैसे आरती और गीता दिया था, फिर आरती दिया था 8 और 12, तो अगर जैसे इसमें गीता का पूछा गया था इसका, यानी कि हमें पता कहीं ना कहीं घटाना पड़ेगा, तो ऐसे सवालों को डायरेक्ट करो, 12 गुणे 8, और 12 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 4, 4 3 12 हो गया, 8 3 24 आंसर। तो ये जो एलसीएम एफिशिएंसी निकालने की ये झंझट सब खत्म हो जाती है। अगला सवाल, किसी निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 144 है, वह राशि कितनी होगी। देखो बिल्कुल सिंपल फार्मूला तो भैया याद ही करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हो तो फिर गलती आपकी है, 2 साल के लिए होता है ये डिफरेंस 144, ठीक कितना निकालना है, ये 8 गुणे 8 बटे 100 गुणे, तो यहाँ से करेंगे 4 2 8 हो गया, 4 2 8 4 5 20 हो गया, 2 7 14 हो गया, 2 2 4 हो गया, 8 9 72 हो गया, और 25 9 225 हो गया, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। अगला सवाल, एक संख्या में 25% की कमी की जाती है, फिर 25% वृद्धि की जाती है, उसमें हुई शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बताओ। देखो 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि, प्लस माइनस माइनस 25 गुणे 25 बटे 100, मुझे नहीं लगता ये किसी को फार्मूला नहीं पता होगा, 25 25 हम 625 यानी 6.25% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो ये आंसर हो गया। अगला सवाल, रघु और रमा ने एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। देखो स्पीड में रेशियो क्या है 10 और 8 का, टाइम में रेशियो क्या हो जाएगा 8 और 10 का, इनमें डिफरेंस 2 का, सवाल में 30 मिनट यानी कि 60 घंटे हमें निकालना क्या है, 10 8 80 यानी कि दूरी निकालना था, तो दूरी के फार्मूला है एस इंटू टी, तो देखो 80 की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी कि 30 बटे 60 नीचे आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 80, तो 30 दूनी 60 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 20 किलोमीटर। अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबाया जाता है, बाहर निकले हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार जार में एकत्र किया, तो जार में पानी की ऊंचाई क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, जैसे एक मान लो एक बाल्टी है तुम्हारे पास, ठीक है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, अब ये तुमने प्यासे कौए वाली कहानी सुनी है ना, वो कंकड़ लेके आता था इसमें डालता था, पानी कुछ ना कुछ उठता चला जाता, जितना वॉल्यूम इस कंकड़ का होता था उतना ही पानी उठता था, जितने ज़्यादा डाले जितना तीनों का वॉल्यूम हो गया उतना पानी उठ गया, यानी कि जो पानी निकल रहा है बाल्टी से वो गेंदों के वॉल्यूम के बराबर होगा, बस सिंपल सी बात ये है। तो उस वो डाला किसमें गया, बेलनाकार बर्तन में डाला जा रहा है, यानी कि गोलाकार गेंदों को जितनी भी होंगी वो बेलनाकार बर्तन के बराबर हो जाए, तो रेडियस क्या थी 10 सेंटीमीटर, तो गोलाकार गेंदों का वॉल्यूम 4/3 पाई, आर क्यू का मतलब 10 का क्यूब, और कितनी गेंदें थी 12, और इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं 20 गुणे 20 और इंटू क्या हो जाएगा एच, पाई से पाई कैंसिल, 4 5 20 हो गया, 5 2 10 यानी 100 हो गया, ये काटेंगे तो केवल 1 10 बचेगा, 3 4 12, तो एच बराबर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु को अंकित मूल्य इतना है, इसे 10% 20% 3 क्रमिक छोटों के बाद इतने बेचा जाता है, देखो एक्स को यहाँ भूल जाओ, तो अंकित मूल्य 450 था, 10% छूट मतलब है 10 की चीज़ 9 में बेची गई है, 20% छूट का मतलब 5 की चीज़ 4 में बेची गई, उसके बाद 267.30 इसमें हो गया, तो इनका रेशियो पहले सिंपल सा बना लो, 5 ने 45 हो गया,
ठीक है, यहाँ से काटेंगे 9 से, तो 9 तीन 27 होता, 9 दूनी 18 हो गया, 8 बचा 9 नेम 81 हो गया, 6 बचा 9 सत्ते 63 हो गया, पॉइंट लगा दो। फिर से काट दो 9 से, 9 तीन 27 हो गया, 9 तीन 27 जीरो, 3.30, यानी इसको 2 से काट लो, फिर 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 1 बचा 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, इसको लिख क्या सकते, 200 165 रेशियो यही तो बनेगा, 5 3 15, 5 3 15, फिर 5 6 20, नहीं छूट दे दी, 3 7 की छूट, बटे 40 बुढ़े 100 हो गया, ये कितना हो गया 25, 25 छक्का 150, 25 7 175, 17.5% की छूट दे दी, जो किसके बराबर है, एक्स परसेंट के बराबर। अगला सवाल, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का 1.25 गुना है, धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखो सिंपल सा सवाल है, 35 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है, यानी दोनों चाल ए प्लस बी, यानी कि नाव की 10 दी है हमने मान ली ए, और धारा की मान ली है क्या बी, तो इसमें जो सी भी समय लगता है इसके विपरीत दिशा में जाने में लगने वाले समय का 1.25 गुना, यानी 125/100 कर लें, 25 5 125, 2500 200, 2 2 4, 2 7 14, 7 5 35, 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 2/1। यहाँ लगा दो कंपोनेंट वन डिविडेंड, अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो 2 1 3, 2 से 1 क्या 1 हो गया, 3 की वैल्यू 10 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/3, यानी कि हमें 60 किलोमीटर किधर जाना है, धारा की दिशा में, दोनों की चालें जोड़ दो, यानी कि 40/3 से भाग कर दो, गुणे 3 हो गया, 20 3 60 हो गया, 20 2 40 हो गया, 3 3 का 9/2, यानी कि 4.5 घंटे लगे। अगला सवाल, 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो 15 और 12 वर्गाकार टाइल चाहिए, यानी कि इनका देखो सबसे पहले क्या कि इनका एलसीएम क्या आता है, 8 एलसीएम आता है, यानी कि उसकी भुजा इतनी होगी, तो उसका एरिया कितना होगा, 60 × 60, कितने टाइल चाहिए, तो इसके एरिया से भाग कर दो, यानी 15 × 12 से, 12 5 60 हो गया, 15 6 60 हो गया, 5 6 20 टाइल लगेंगे टोटल, ठीक है। आप घर में कभी टाइल निकालने हो ना, तो एरिया निकाल के इस तरीके से देख लेना, उसका एलसीएम लेके तो वर्गाकार टाइलों की संख्या आ जाएगी। अगला सवाल देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको भी करते हैं। देखो सबसे पहले 75 गुणे करेंगे तो 1/30 हो जाएगा, माइनस का 3/4 ऑफ ऑफ आ गया, इसका मतलब इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तब माइनस करेंगे, इसमें क्या करेंगे 5/7 गुणे करेंगे 9/14, यानी कि 14/9 हो गया, माइनस का 3 3 का 9 1 10/3, 3 1 3 2 5/3, 10 से 5 गया 5 बचा, यानी कि ये तो हो गया 5/3, इधर करेंगे 7 2 14 हो गया, तो 5 2 10/9 हो गया, यानी 3/4 गुणे 10/9 हो गया, माइनस का यहाँ से करेंगे 15 5 75, 15 2 30 हो गया, यानी 5/2 हो गया, तो यहाँ से 3 3 का 9 हो गया, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 5 कामन लेके, 5 कामन लेके तो 3 - 2/6 हो गया, माइनस का कितना बचा, 2 5 10 हो गया, 2 2 4, 5/6 हो गया, तो यहाँ पर भी 5/6 हो गया, माइनस का 5/6 हो गया, कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, इतनी मेहनत भी करो आंसर भी 0 आया, क्या मतलब है। अगला सवाल, समूह में 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 kg, 78 kg औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं और 75 kg औसत भार वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, तो आप समूह में व्यक्तियों का औसत भार कितना होगा। देखो इस टाइप का सवाल मैं करा चुका हूँ, शायद 5वां होगा या 6ठा सवाल होगा, इन दोनों में से एक है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन कुछ डरने की बात नहीं, 24 लोगों का 72 था और 3 लोगों का 78 था, जो क्या थे छोड़ के चले गए, आए कितने लोग हैं, 4 लोग, जिनका एवरेज था 75। अब ये देखो ये एवरेज से कितना ज़्यादा लेके गया, यानी 72 6 1 लोग, यानी 3 लोगों में 18 लेके ये भाग गया है, यानी कि एवरेज से इतना कम हो गया। अब इसने कुछ तो भरपाई किया कि कितनी की, 3 1 लोगों ने की, 4 लोगों ने कितनी कर दी, 4 3 12 की भरपाई, लेकिन अभी भी कितना कम रह गया, 6 कम रह गया। अब ये 6 लोग 6 कम रह गए तो डिवाइड कितने लोगों को, टोटल का पूछा है एवरेज, तो देखो 24 तो थे, 24 से 3 चले गए 21 हो गया, फिर 4 आ गए तो 21 4 25 लोग हो गए टोटल, अब ये 6 की भरपाई 25 लोग करेंगे, पॉइंट लगाया 0, तो 25 2 50 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, कितना था 72, 72 से 0.2 घटा दो, 10 से 2 गया 8 बचा, 1 बचा 7, 7 1 पॉइंट के समथिंग आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने पॉइंट के और बात सॉल्व नहीं किया इसलिए करेक्ट नहीं मिल रहा, नहीं तो आंसर एकदम सही है। अगला सवाल, चलिए 17 नवंबर की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।